श्रीकांत बोला, जिनके पास आंखें नहीं है पर उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी, जिसके कारण वह 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे, और इन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी और इस कारण वह प्लस वन के बाद साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे। स्कूल वालों ने प्लस वन में इन्हें साइंस में एडमिशन ना दिया तो इन्होंने स्कूल पर ही केस कर दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करी और इंडियन इंडस्ट्री कंपनी को ओपन किया, और आज ये हजारों लाखों को अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां ही राह होती है। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, जिन्हें डॉक्टर ने यहां तक भी कह दिया था कि तुम 12 से 15 साल तक ही जिंदा रह पाओगे, क्योंकि उन्हें एक डिसीज थी जिसके कारण उनके बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देने वाले थे। पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, पर वह चाहते तो उनके पास बहुत बड़ा बहाना था कि उनके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर सकते थे तो वह कुछ नहीं कर पाते, पर उन्होंने अपने हार्डवर्क से साइंटिस्ट बन गए और फिर ब्लैक होल का इन्वेंट किया, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम। सचमुच ये इंसान किसी जीनियस से कम नहीं थे, ही इज अ जीनियस। एक बात याद रख लेना मेरे दोस्त, मुसीबत हमें कभी गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए आती है, तो कभी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। बॉम्ब अटैक के कारण एक इंसान ने अपने पैरों को गवा दिया था, पर उस इंसान ने अपने पैरों को ही गवाया था, अपने अंदर के हौसले को नहीं गवाया, उसके अंदर जीत थी। उस इंसान ने सोच लिया था, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, तो उस इंसान ने तय कर लिया कि मैं अब रनर बनूंगा। जो इंसान ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उस इंसान ने तय कर लिया कि अब मैं रनर बनूंगा। फिर क्या, उस इंसान ने आर्टिफिशियल लेग के सहारे टिश शुरू कर दी। अपने बहुत हार्ड वर्क और मेहनत के कारण उस इंसान ने अपने किस्मत को बदल दिया और रनर बन गया। गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट देवेंद्र पाल सिंह, जिन्हें नेशनल अवार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबल अंडर रोल मॉडल का खिताब मिला है। उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। अब आपको इन तीनों जीनियस की स्टोरी से एक ही सीख मिलती है, जैसे मर्जी हालात हो आपको मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी मुसीबत से हार नहीं माननी चाहिए। मुसीबत आपको गिराने के लिए नहीं आती बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगा और रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। प्लीज ज्वाइन आवर नॉलेज एक्ट फैमिली।